सुप्रभात दोस्तों, आज भी मौसम बहुत बढ़िया है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मौसम भाई आज भी यानी तबीयत में फर्क है, यानी ये लगा लो कि 70% ठीक हो चुका हूँ। तो आज स्कूल में भी जाना है क्योंकि भाई हमारी तो छुट्टी हुई नहीं, यानी 11 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक यानी कोई छुट्टी नहीं थी। डेली तो प्रभात फेरी निकालनी होती थी, तिरंगा यात्रा निकालनी होती थी। तो भाई कल भी स्कूल में जा रहे थे, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, और अब भी नहा धो के स्कूल में जाऊंगा और एक दो दिन में शायद सही हो जाऊंगा। तो भाई नहा लेता हूँ, ब्रश वगैरह करूँगा, स्कूल में जाऊंगा। और आज तो है ना, यानी मैंने वो मंगाया है बाइक के लिए भी एक होल्डर, ताकि मैं ना जाते टाइम भी वीडियो बना सकूँ। तो आज वो भी डालना है और आज है ना फोन उसमें डाल के आज स्कूल तक की वीडियो बनाऊंगा। भाई घर से निकल चुका हूँ, स्कूल के लिए जा रहा हूँ और आप देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। सीनरी देखो, बढ़िया मज़ा आ रहा है। बिल्कुल देखो कितना ग्रीनरी कितनी है मेरे पीछे। भाई फिलहाल मैं हूँ नजफगढ़ में, और नजफगढ़ में आपने मैं ऐसा रोड दिखाऊंगा बिल्कुल स्मूथ, जहाँ गाड़ी चलती है, जहाँ एक भी गड्ढा नहीं है। और वो रोड है ना अभी बना है 5-6 महीने पहले ही, और ऐसा है बिल्कुल प्लेन रोड। देखना थोड़ी देर में ना वो शुरू होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त रोड है। शायद आप भी वहाँ से गए होंगे, अभी है ना शुरू होने वाला है, देखना शुरू होने वाला है। हो गया बस अब, हाँ अब शुरू होने वाला है, शुरू हो गया। लो भाई वो लक्की रोड है, वो शुरू हो गया है। देखो आप इस रोड के नज़ारे, देखो कैसे गाड़ी ऐसे चलेगी जैसे आप कहीं झूले पे झूल रहे हो, किसी ऐसी जगह आ रहे हो कि जिग जैग ऐसे चलेगी गाड़ी। इस रोड पे ना आपको पता नहीं लगेगा कि रोड कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। बिल्कुल ऐसा खराब रोड, ऐसा टूटा हुआ रोड है। ऐसा हो जाता है कई बार, तो भाई गाड़ी है ना मान ले पता नहीं टूटेगी क्या होगा। बाइक वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं यहाँ, कभी बेचारे गिर जाती है, कभी कुछ होता है। इतना गंदा रोड है, बहुत गंदा। गर्मी है, बारिश भी आ रही थी आज। तो ये देखो भाई टीवी,
ये दोनों खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खाऊंगा। देख लो भाई, बारिश जाने के बाद का मौसम, सूर्य की किरणें देखो कैसे आ रही हैं। देख लो उस साइड है सूरज, देखो इस साइड है सूरज, बिजू नहीं। भाई बारिश जाने के बाद जबरदस्त मौसम हो गया है, आई है थोड़ी ये देर बारिश, पर ऐसी आई है बिल्कुल मजा आ गया। पीछे देखो बादल कैसे हो रहे हैं, देखो या इसमें है ना ज्यादा ब्लैक नहीं दिख रहे, नहीं तो बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं। देखो बिल्कुल ब्लैक, जैसे आग नहीं लग जाती किसी फैक्ट्री वगैरह में, और ऐसे होते हैं, ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल काले। मजा आ गया, मजा। भाई एक नंबर का मौसम हो गया है, मोर है ना वो भी बोलने लग गए हैं, पूरा मजा आ रहा है। और बारिश आने के बाद तो है ना देखो सब कुछ चमक जाता है, और बारिश फिर आ सकती है। देखो बादल कैसे हो रहे हैं, देखो कैसे हो रहे हैं बादल, बिल्कुल मस्त मौसम हो रहा है। देखो मोर की आवाज सुनती होगी आपने, कैसे बोल रहे हैं मोर। तो बारिश का मौसम एक बार फिर से हो गया, शायद एक बार फिर बारिश आ सकती है, भगवान भी बना रहा है। उस साइड तो है ना बिजली चमक रही है, भाई इतना खतरनाक मौसम है ना पहले कभी नहीं देखा था, यानी बिल्कुल काला, ये तो काला हो रहा है हर जगह, हर दिशा में अलग मौसम है।
जिया और वसु नीचे जा रहे हैं, मौसम का मज़ा नहीं ले रहे वो बिल्कुल भी। उधर है ना, मैंने टाइम लैप्स भी लगा रखा है, जब ये वीडियो डालूँगा ना तब मैं टाइम लैप्स भी डालूँगा। देखो टाइम लैप्स, 500 रुपये का नोट डाल रखा है, कैमरे को दे रखा है ताकि भाई टाइम लैप्स जो भी आए वो बिल्कुल बढ़िया आना चाहिए। ये 500 रुपये आप देख सकते हो, ठीक है। और भाई उधर तो है ना बिजली चमक रही है, सही। बारिश आएगी फिर, दोस्तों मजा आ रहा है। बस गर्मी गर्मी है ना, एक बार बारिश आ जाए चाहे तो सुबह आ जाए सही बढ़िया, या शाम को आ जाए यानी भीग जाऊं, बस आनंद आ जाता है फिर तो। ये देख लो भाई, ये अपने मौसम का मजा ले रही है, घूमन लग रही है, सही अपने पूरा मजा ले रही है। मौसम का मजा लेना चाहिए, सही है। भाई गर्मी में है ना बस दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे बारिश आओगी ना तो मच्छर बढ़ जाएंगे, पर भाई हमने तो दिक्कत करेंगे नहीं क्योंकि हमारा तो जो कमरा है वो बंद है, तो हमने तो इतनी तो कोई दिक्कत है नहीं। अपने मच्छरों का इंतज़ाम करेंगे, ऑल आउट वगैरह या कोयल वगैरह जलाएंगे और मच्छरों को भगाएंगे। वसु का कराने लग रहा हूँ काम, देखो काम चल रहा है फिलहाल, आज लड़का लग रहा है पूरे जोरों से काम पे। आज तो इसने है ना सिर्फ 1 घंटा टीवी देखा है। और इसका काम करने का तरीका देख लो, इसकी टांग कहाँ है और ये कहाँ है, ड्राइंग बनाई है भाई, जैसी तैसी आगे इसमें कलर भर लेगा, ठीक है। देख लो अब ये इसमें कलर कर लेगा। भाई जी आगे कंप्यूटर फिर खराब हो गया, तो अब इसने फिर ठीक करने लग रहे हैं, या बैठी है अपने काम के उसमें क्या काम कर लेगी। तो भाई भी सग लग रहे हैं, पता ना इसका क्या हो रहा है, इसका माउस है ना चल रहा है, वायरलेस माउस है भाई। कसूता खतरनाक मौसम हो रहा है, देखो अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल 7 बजे हैं अभी। कुछ भी नहीं दिख रहा लो भाई, खाने का टाइम हो गया है, मिस्त्री खाने लग रहा है अपना चावल दाल दही। उधर जिया खाने लग रही है, और सामने क्या चल रहा है आपको सबको पता ही है, सामने क्या चल रहा है, टीवी। टीवी देख रहे हैं और खा रहे हैं, देख लो इसका खाने का तरीका देख लो। देखो भाई वसु पढ़ रहा है, और वसु कैसे पढ़ रहा है ये दिखाता हूँ। मेरे ये तरीका बहुत बढ़िया लग गया इसका पढ़ने का, कम से कम इसका है ना दोनों चीज हो जाएंगी, पढ़ाई भी और टीवी भी देखना। नहीं तो टीवी पे सिर्फ यूट्यूब, ठीक है, गेमिंग चैनल और फलाना और दगड़ा। अब क्या कर रहा है ये देखो, आपने देखो
अब ये है, इसने ना YouTube पर सर्च मार लिए अपने टॉपिक और अपने टॉपिक पढ़ रहा है। मैंने नहीं सिखाया इसको, ये जिया ने सिखाया इसको कि भाई कोई चीज़ नहीं आती तो उसको है ना YouTube पे सर्च मार ले, उसका सॉल्यूशन है ना YouTube पे मिल जाएगा। ऐसे ही अपना मैथ का, इंग्लिश का, भाई अभी इसने खोल रखी है संस्कृत, तो ये कर लेता है भाई इस चीज़ से मैं तो। और भाई वसु किसने बताया यो आइडिया? खुश है ही मैं याद है, मैं रिवाइज करूँगा। याद है मैं रिवाइज करूँगा। रिवाइज करा है? हाँ। और क्या का काम रह गया इसके बाद? इंग्लिश का लर्न रहेगा और फिर सारा हो जाएगा। सारा हो जाएगा? हाँ। चलो ठीक से कर ले। तो भाई यो हमने पढ़ने लग रहा है, मैं थोड़ा ऊपर घूम आता हूँ। तो भाई आज के लिए बाय, ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। वसु भाई कर दे तू भी, राम राम सब ने, बाय बाय दोस्तों, राम राम, शुभ रात्रि।